नगर पालिका निगम ने जलावर्धन योजना भाग एक के तहत वार्डों में नल कनेक्शन के साथ ही वाटर मीटर तो लगा दिया, लेकिन लोग अनाप शनाप पानी के बिल से परेशान हैं। लोगों ने कहा कि मंथली देने वाला बिल एक साथ दे दिया जा रहा है, जिससे उन्हें चुकाने में काफी परेशानी हो रही है। मीटर में फायदा कहाँ वैसे हो रहा है, अनाप शनाप तो बिजली बिल दे रहे हैं, उसमें बिजली बिल भी करता हूँ, पानी का बिल। समस्या तो वही हो ही रही है उसमें से, क्योंकि पहले जिस हिसाब से बोला गया था निगम वाले कि महीने के दर से 60 रुपये बिजली बिल आएगा, बिजली बिल सॉरी वो बिल आएगा, तो उसके माध्यम से हम लोग लगवा लिए थे और उसके माध्यम से अपना होकर सीधा आप रीडिंग हिसाब से आ रहे हैं, तो 5000-6000 बिजली बिल भेजा एक ही बार तो थोड़ी पटा पाएंगे उसको। बिल अभी क्या है, महीना के सिस्टम में तो किए नहीं थे, अभी जो कर रहे हैं तो एक साथ दे रहे हैं पूरा, एक एक साल दो दो जो भी बाकी जिसका जैसा है वैसा दे रहे हैं एक साथ, तो ये तो दिक्कत है। इसमें क्या है, मंथली जब है तो मंथली हिसाब से लेना चाहिए और एक साथ दे रहे हैं पूरा, तो उसमें थोड़ा परेशानी है। अभी लीकेज तो रहता ही है, कभी कहीं कुछ पाइप वगैरह फूटा ही रहता है, ऐसा तो है, दिक्कत तो रहता ही है थोड़ा। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 42 तक 45,000 कनेक्शन प्रदाय करने का टारगेट तय किया गया था, जिसमें से 38,000 नल कनेक्शन देकर वाटर मीटर भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा लीकेज की समस्या से भी लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, लोगों के दावे के मुताबिक 24 घंटे पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमेशा पानी के लिए परेशान रहने वाले नल लगने से कुछ राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे पानी नहीं आने और हजारों के वाटर बिल से परेशान हैं। नल लगने से भैया घर में काम भी कर हो जाते हैं और बच्चा मन बाहर जाते थे, बहुत अच्छा लगा कि घर में का नल लगने से 7000 आज दिए। कोरबा में जलावर्धन योजना में जो भी खामियां हैं उसे दूर करने का दावा अधिकारी कर रहे हैं। नगर निगम के जो जल प्रदाय योजना भाग एक में 42 वार्डों में जल आपूर्ति इसमें होती है, उसमें सब मकानों में मीटर कनेक्शन जो सर्वेक्षण हुआ था वो 45,000 के आसपास कनेक्शन का सर्वेक्षण हुआ था और उसमें 38,000 के आसपास कनेक्शन किए जा चुके हैं और उनमें मीटर का रीडिंग का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो जल आवर्धन योजना भाग दो जो पश्चिमी कोरबा के लिए बाकी बच्चे हुए 25 वार्डों के लिए थी, उसमें 36,000 कनेक्शन का टारगेट है और लगभग 20,000 के आसपास कनेक्शन उसमें किए जा चुके हैं और कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है। वहाँ के लिए भी मीटर लगाने के साथ मीटर रीडिंग के लिए भी अनुबंध किया गया है। इसमें यह है कि ऑन द स्पॉट उनको मीटर रीडिंग करके बिलिंग दिया जाएगा। इसमें कहीं कहीं क्योंकि ये कनेक्शन अलग अलग समय पर हुए हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर कई लोगों का यह समस्या आ रही है कि उनके द्वारा जो कनेक्शन को हुआ है उनका मीटर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो ये परीक्षण करके इस पर मेन काउंसिल में प्रस्ताव रखा गया था और इसमें निर्धारण हुआ गया कि जब भी उनका कनेक्शन हुआ तब से पिछला एरिया पुराने जो शासन की एक निश्चित दर उसके आधार पर लिया जाए और 1 जनवरी 2021 से जो मीटर उस समय जो मीटर रीडिंग हुई तब से कनेक्शन का तब से उनका प्रभाव लिया जाए। अधिकारी ने तो निर्देश जारी कर दिए हैं, अब देखना होगा कि इसका पालन कब तक होता है। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।